देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक में अवैध लेन देन का खुलासा होने पर हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि बैंक के मुंबई की एक ब्रांच में करोड़ों रुपए का फर्जी ट्रांजैक्शन किया गया। यह फर्जीवाड़ा शेयर बाजार में बैंक की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग एक तिहाई है। शायद इसी के चलते शेयर बाजार में बैंक को अपने शेयरों पर 10% का नुकसान उठाना पड़ा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े के चलते बैंक के आम खाता धारक को भी बैंक में जमा उसके 100 रुपए में 30 रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 36,566 करोड़ रुपए का है और उसने लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का बाजार में कर्ज दे रखा है। बैंक में फर्जीवाड़े की खबर के बाद बैंक के शेयर मूल्य में आई गिरावट से निवेशकों को एक दिन में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं इसके पहले पंजाब नेशनल बैंक ने 5 फरवरी को 280 करोड़ रुपए के फर्जी ट्रांजैक्शन से जुड़ा एक मामला सीबीआई को सौंपा था। जहां सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं बैंक के मुंबई की एक ब्रांच से आई फर्जीवाड़े की खबर ने बैंक को 11,000 से ज्यादा करोड़ रुपए के अतिरिक्त नुकसान में ला खड़ा किया है। हालांकि बैंक का यह साफ करना बाकी है कि 5 फरवरी को सीबीआई को सूचित किया गया 280 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा इस नए फर्जीवाड़े से अलग है या फिर दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं। आमतौर पर किसी भी बैंक के पास दो सूत्रों से पैसे का आदान प्रदान होता है, पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा बैंक के ग्राहक जो अपना पैसा ब्याज के लिए अपने खाते में जमा कराते हैं। हालांकि कॉरपोरेट जगत से शेयर होल्डर्स का पैसा भी बैंक में जमा रहता है। मौजूदा मामले में बैंक ने फर्जी ट्रांजैक्शन का हवाला देते हुए 11,360 करोड़ रुपए की चपत की सूचना दी है। लिहाजा एक बात साफ है कि फर्जी ट्रांजैक्शन से यदि किसी को नुकसान पहुंचा है तो वह आम खाता धारक है।